वेलकम यू टू आवर जे आई वी एन सी आई वी मेड सिंपल चैनल। दिस इज़ आवर बी एफ एम 19 विथ एम सी क्यू डे नंबर 14। सो लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन। टुडे वी विल डिस्कस फैसिलिटी फॉर एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर। सो फ्रेंड्स, आपको मैं शॉर्ट में समझाऊंगा इस पार्टिकुलर टॉपिक को। हमारा तरीका वही रहेगा, कंसेप्ट समझना है वन लाइनर के फॉर्म में और एम सी क्यू सॉल्व करना है। चलिए समझाता हूँ आपको। सबसे पहले डी जी एफ टी यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरन ट्रेड एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है भारत में, जो कि रूल्स बनाता है कि जिससे किसके रिगार्डिंग रूल्स बनाता है कि चीज़ों को दूसरे कंट्री बेचने के रिगार्डिंग ये डिसाइड करते हैं कि कैसे चीज़ों को किया जाए, क्या हाउ थिंग्स वुड बी डन जब आप प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं भारत से। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि आप इंडियन स्पाइसेस को यूनाइटेड नेशन स्टेट भेजना चाहते हैं, तो DGFT रूल बनाती है कि क्या पेपर वर्क आपको करना पड़ेगा और कैसे करना पड़ेगा। तो ये है एक्सपोर्ट ट्रेड ऑफरसाइट। एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग की बात करें तो दोस्तों, एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग समझिए कि पैसा लेना होता है ताकि आप दूसरे कंट्री में चीज़ें बेच सकें, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बताती है आपको कैसे। RBI का रूल है जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा जब आप पैसे को वैन यू गेट, जब आपको पैसा चाहिए ताकि अपना प्रोडक्ट को आप दूसरे कंट्री में बेच सकें। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको लोन चाहिए मशीन खरीदने के लिए ताकि क्लॉथ बना सकें, कपड़ा बना सकें जिसको आप एब्रोड बेचना चाहते हैं, तो RBI का रूल है कि कैसे आपको वो लोन मिलेगा। इसे कहते हैं एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग, समझे। एक्सपोर्ट करने के लिए जो फाइनेंस होता है यानी लोन जो लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग। तीसरा है हमारा इम्पोर्ट ट्रेड ऑवरसाइट। तो DGFT जो है रूल बनाती है कि चीज़ों को कैसे हम दूसरे कंट्री से खरीदें और उसको भारत लाएं, ठीक है। तो यदि इंडियन कंपनी इंपोर्ट करना चाह रही है मोबाइल फ़ोन को चाइना से, तो DGFT का रूल है। फिर दोस्तों, बात कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल की, तो RBI ये श्योर करती है कि जब लोग इंडियन मनी को एक्सचेंज करें फॉरेन मनी के लिए, तो ये उनको उनके रूल्स के अकॉर्डिंगली किया जाए। एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लीजिए कि आप USA में वैकेशन के लिए जा रहे हैं और आपको इंडियन रुपीज़ एक्सचेंज करना है US डॉलर के लिए, तो आपको जो RBI का रूल है वो फॉलो करना है। ट्रेड कंट्रोल की बात करें तो DGFT मैनेज करती है कि कैसे इंडिया, कैसे भारत जो है ट्रेड करेगा दूसरे कंट्री से। एक प्लान बनाती है जिसको FTP प्लान कहते हैं। FTP का फुल फॉर्म में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जो कि बताता है कि इंटरनेशनल बिजनेस कैसे होगा। जैसे DGFT प्लान क्रिएट करेगी, इनकरेज करेगी ज़्यादा इंडियन कंपनी को कि वो क्लॉथ एक्सपोर्ट करे, और वो इस प्लान को अनाउंस करेगी जिससे बिजनेसमैन समझ पाए क्या करना है। एक्सपोर्ट क्रेडिट क्या होता है, RBI इंस्ट्रक्शन देती है कैसे बिजनेस लोन ले सकते हैं अच्छे इंटरेस्ट रेट पे ताकि वो अपना सामान को दूसरे कंट्री में बेच सकें। इससे क्या होता है कि बिजनेस इंटरनेशनली कंपीट करती है। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी वो मशीनरी बना रही है, वो उसे जर्मनी बेचना चाहती है, तो वो लोन भारतीय बैंक से ले सकता है अच्छे इंटरेस्ट रेट पे एज पर RBI गाइडलाइन। इम्पोर्ट गाइडलाइन कहता है कि जो हमारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी FTP है, उसमें रूल है कि आप क्या करें जब आप खरीदना चाहते हैं चीज़ों को दूसरे कंट्री से। तो ये रूल हेल्प करता है भारत को पैसा सेव करने में और टेक्नोलॉजिकली एडवांस होने में। जैसे मान लीजिए कोई भारतीय कंपनी है, वो एडवांस टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट करना चाह रही है जापान से, तो उसे जो भी गाइडलाइन FTP में लिखा गया है वो फॉलो करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन। तो जो हमारा इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वो जैसे जैसे कि हमारे एक्सपीरियंस ट्रेड एक्सपर्ट होते हैं, वो एडवाइस देते हैं लोगों को कि कैसे इंटरनेशनल बिजनेस करें। जैसे कि UCP 600, URR 522, ये सब इनको टर्म्स 2022, ये सभी डॉक्यूमेंट्स को यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस है भारत में, वो प्रोडक्ट बेचना चाहती है UK की कंपनी में, तो वो जो भी गाइडेंस ये सभी चैम्बर प्रोवाइड करेंगे, उन सभी गाइडेंस को यूज़ करेगी ताकि इंश्योर कर सके स्मूथ और फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। पहला सवाल है कि कौन सी भारतीय सरकार एजेंसी ऑपरेट करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर और पॉलिसी सेट करती है एक्सपोर्ट ट्रेड के लिए। सही जवाब है इसका DGFT, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग और फैसिलिटीज़ को गवर्न करता है अंडर FEMA रेगुलेशन, तो ऑब्वियसली RBI गवर्न करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सरकार की कौन सी एजेंसी है जो कि इम्पोर्ट ट्रेड को रेगुलेट करेगा, तो ऑब्वियसली DGFT इम्पोर्ट ट्रेड को रेगुलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन भारत का है जो कि एक्सचेंज कंट्रोल को रेगुलेट करता है और फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन को रेगुलेट करता है FEMA 1999 के अंदर, तो सही जवाब है RBI। दोस्तों, कैसे DGFT मैनेज करती है ट्रेड कंट्रोल को भारत में, तो FTP के माध्यम से। FTP होता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाइडलाइन कौन सेट करता है एक्सपोर्टर को फाइनेंस करने के लिए भारत में, तो मैंने आपको बताया कि एक्सपोर्टर को फाइनेंस करने के लिए RBI गाइडलाइन सेट करती है। कौन सा पॉलिसी कवर करता है प्रोसीड्यूरल रिक्वायरमेंट फॉर इंपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विस इन इंडिया, तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गाइड करता है ग्लोबल ट्रेड पार्टीज़ को डॉक्यूमेंट से, जैसे UCP 600, URR 600। सही जवाब है इसका इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। दोस्तों, FEDA की बात करते हैं, तो ये यहाँ तक क्लियर हुआ आपका FTP क्या होता है, DGFT का क्या रोल है, RBI का क्या रोल है, कहाँ पे किसका रोल है। आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर नाउ। FEDA की बात करें तो FEDA
टेक्नोलॉजी के एक ग्रुप है जो कि RBI के द्वारा अप्रूव किया गया है, तो वो श्योर करता है कि भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है अच्छे से काम करे। तो वो फेडरल जो है RBI के साथ काम करता है ताकि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को अच्छा बना सके, लोगों को सही तरीके से फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस करवा सके। एग्जाम्पल के तौर पर इमेजिन कीजिए कि आप जो है एक्सचेंज करना चाह रहे हैं इंडियन रुपीज़ को US डॉलर के लिए, जब आप मान लीजिए USA में ट्रिप पे जा रहे हैं, तो फेडरल हेल्प करता है आपको, बैंक को इंश्योर करता है या मनी एक्सचेंज सर्विस को इंश्योर करता है कि आप जो है जो राइट रूल को फॉलो करें, सही नियम को फॉलो करें इसके लिए। ऑथराइज डीलर का के लिए गाइडलाइंस, ऑथराइज डीलर बिजनेस होते हैं जो कि सरकार के द्वारा अलाउ किए जाते हैं कि वो फॉरेन ट्रेड कर सकते हैं, उन्हें कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ता है। जैसे वो रूल्स में क्या है कि जैसे कुछ चीज़ें हैं जिनको गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, तो ना उसे खरीदेंगे ना उसे बेचेंगे बिना परमिशन का। जैसे कोई ऑथराइज डीलर है वो किसी रेयर और इंडेंजर्ड स्पीसीज और प्लांट को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते बिना स्पेशल अप्रूवल लिए हुए सरकार का। IC नंबर दोस्तों, यदि आप किसी चीज़ को खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं दूसरे कंट्री में, तो आपको एक स्पेशल कोड नंबर चाहिए होगा जिसको IC नंबर कहते हैं, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर कहते हैं। तो आपको ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी DGFT से ये नंबर मिलेगा। अलग अलग तरह के बिजनेस जो है अलग अलग कोड की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे सॉफ्टवेयर कंपनी को सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया से कोड मिलता है, रजिस्टर होना पड़ता है। तो जैसे मान लीजिए कि आप एक भारतीय कंपनी है और क्लॉथिंग बनाते हैं और आप इसको यूनाइटेड स्टेट में भेजना चाहते हैं, तो आपको एक IC नंबर चाहिए होगा। एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म क्या होता है, जब भी आप चीज़ों को भारत से बाहर भेजते हैं ना, तो चाहे वो फिजिकली ना भी हो, तो आपको गवर्नमेंट को इसके बारे में बताना होता है। तो ये इससे क्या होता है कि सब कुछ करेक्टली हो जाए। दो तरह का फॉर्म होता है, एक होता है EDF फॉर्म होता है दोस्तों चीज़ों को एक्सपोर्ट करने के लिए जो कि सॉफ्टवेयर के अलावा होती है किसी भी मेथड से, और एक होता है सॉफ्टटेक्स फॉर्म। यदि आप सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं डिजिटल फॉर्म में, तो वो सॉफ्टटेक्स कहलाता है, जैसे डाउनलोड कर रहे हैं इंटरनेट से। मान लीजिए कि आप कोई भारतीय कंपनी जो कि सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं किसी UK की कंपनी को, तो आपको सॉफ्टटेक्स फॉर्म फिल करना पड़ेगा ताकि आपने सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट को रिपोर्ट कर सकें, एवन दो इट इज नॉट अ फिजिकल प्रोडक्ट। इससे क्या होता है, गवर्नमेंट ट्रैक रखती है कि हमारे देश से क्या भारत से बाहर जा रहा है। फेडरल क्या है, कब इस्टेब्लिश किया गया, तो फेडरल के बारे में मैंने बताया एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, RBI का अप्रूवल है और इस्टेब्लिश किया गया 1958 में। Which one of the key guidelines that authorized dealer must follow while conducting foreign trade and business in India? तो जो भी banned और restricted export import items हैं उसका डील करें, लेकिन आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये क्या पर्पज है IC नंबर का, तो IC नंबर एक कोड होता है जो कि आप इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बहुत जरूरी है, और इसको सारे डिक्लेरेशन और फॉर्म में कोड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा फॉर्म का यूज किया जाता है सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट के लिए नॉन फिजिकल फॉर्म में अंडर FEMA रेगुलेशन, तो नॉन फिजिकल फॉर्म में सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट के लिए सॉफ्टटेक्स फॉर्म यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आगे आपके लिए मैं आपको कैप्सूल कोर्स के बारे में बता दूं। कैप्सूल कोर्स में आपको सभी सब्जेक्ट्स के यानी चारों कंपलसरी सब्जेक्ट्स के आपको वनलाइनर PDF, फॉर्मूला PDF मैंने बना रखा है। फॉर्मूला PDF में आपको फॉर्मूला मिलेगा, उसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। वनलाइनर PDF में दोस्तों इस प्रकार का कंटेंट मिलेगा, और उसके अलावा कैप्सूल PDF भी है ताकि आप फाइनली रिवाइज कर पाएं सभी चीज़ों को पॉइंट वाइज क्विकली। तो फ्रेंड्स, उसके अलावा आपको क्विजेस भी दिए जा रहे हैं, सो इफ़ यू वांट टू गेट एक्सेस टू ऑल दिस कैप्सूल कोर्स, यू कैन इनरोल इन आवर कैप्सूल कोर्स प्रोग्राम। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप उसे इनरोल हो सकते हैं। तो बाकी का कंटेंट जो है पेड मेंबर के लिए अवेलेबल है। धन्यवाद।